टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है। सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने भारत को 10 विकेट से हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। विश्व कप खिताब से एक कदम पहले ऐसी हार देख भारतीय फैंस बेहद निराश हो गए हैं। एडिलेड के मैदान पर हार्दिक पांड्या और विराट कोहली के प्रदर्शन को हटा दीजिए तो बाकी किसी भी प्लेयर ने वर्ल्ड कप मैच जीतने लायक प्रदर्शन नहीं किया। खासतौर पर टीम इंडिया के ओपनर्स ने इस पूरे कैंपेन में टीम को निराश किया। इंडिया के लिए T20 फॉर्मेट में बैटिंग की शुरुआत टीम के कैप्टन रोहित शर्मा और उप कप्तान KL राहुल करते हैं। इन दोनों के बारे में एक बात जान लीजिए, काबिलियत पर शक नहीं लेकिन इंटेंट का क्या किया जाए। इन दोनों से जुड़ा एक शर्मनाक स्टैट सामने आया है। शर्मनाक भारी शब्द है लेकिन स्टैट ऐसा ही है। T20 वर्ल्ड कप 2022 में टीम के ओपनर्स नहीं चले हैं और समस्या वहीं छुपी हुई है। पहले 6 ओवर्स की बात करें तो इंडिया का रन रेट 6.02 का रहा है। अब इस पर यही याद आता है कि नॉट श्योर इफ दिस वॉज T20 और ODI वर्ल्ड कप, यानी ये टीम वनडे क्रिकेट खेल रही थी या T20, ये बताना थोड़ा मुश्किल है। खैर ये तो सिर्फ एक स्टैट है, अब शर्मनाक वाले हिस्से पर चलते हैं। नीदरलैंड्स की टीम, जिसे देश के कई लोग जानते भी नहीं होंगे कि ये क्रिकेट खेलती भी है या नहीं, उस टीम के ओपनर्स ने T20 विश्व कप 2022 में हमारे स्टार ओपनर्स से ज़्यादा तेज़ी से रन्स बनाए हैं। नीदरलैंड्स ने 6.06 के रेट से पहले 6 ओवर में रन्स बनाए हैं। नामीबिया का स्टैट भी राहुल रोहित से बेहतर है। नामीबिया ने 6.11 के रन रेट से रन्स जोड़े हैं। इस शर्मनाक रिकॉर्ड के बाद तो मुंह छुपाना ही बनता है, क्योंकि इस स्टैट में सिर्फ UAE ही हमसे नीचे हैं। UAE ने इस वर्ल्ड कप में 4.71 के रन रेट से रन्स बनाए हैं, जबकि बाकी सभी टीम्स का पावर प्ले का रन रेट भारत से बेहतर रहा है। मैच की बात करें तो इंग्लैंड ने टॉस जीता और बॉलिंग करने का फैसला किया। इंडिया के लिए ओपनर KL राहुल जल्दी लौट गए। रोहित शर्मा और विराट कोहली ने पारी को संभाला। विराट ने 50 जड़ा और हार्दिक पांड्या ने 33 बॉल में 63 रन बनाकर टीम इंडिया को 168 रन तक पहुंचाया। इंग्लैंड की बैटिंग की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। इंग्लैंड के ओपनर्स एलेक्स हेल्स और कप्तान जॉस बटलर को देख लग रहा था वो किसी दूसरी ही पिच पर बैटिंग कर रहे थे। बटलर ने 49 बॉल पर 80 और हेल्स ने 47 बॉल पर 86 रन ठोक कर इंडिया के टारगेट को 16 ओवर में ही चेस कर लिया। इस जीत के बाद इंग्लैंड का सामना फाइनल में पाकिस्तान से 13 नवंबर को होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी पुनीत ने। मैं निहारिका यादव, देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।